बच्चे बाइसिकल मोशन के लिए मैं अगेन यहाँ से क्या करूंगा, एक बटन यहाँ से ड्रैग करके ले आऊंगा और उसका मैं यहाँ पे बाइसिकल जो टेक्स्ट है, बाइसिकल साथ में आइडियल लिख देता हूँ। ठीक है, आइडियल पुट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे इसकी कोडिंग में जाके अगेन मैं सिस्टम के ऊपर देखूंगा तो मेरे पास कितने वेरिएबल्स हैं। टोटल 6 वेरिएबल्स हैं, जिनमें से जो 4 वेरिएबल हैं वो इंडिसेस के बजाय हैं और 2 वेरिएबल इंडिसेस वाले हैं। तो मैं इनको क्या डिक्लेयर करवा लूंगा, डबल पी की वैल्यू सपोज मैं 100 रखवा देता हूँ, एम की वैल्यू सपोज 50 रखवा दिया। सिमिलरली जो आपके पास डी टी है दैट इज इक्वल टू 0.01 कह लें। सो आई एम सॉरी, यहाँ पे जो आपके पास ये वाला ट्री है वो आपके पास 0.5 बन जाएगा। ठीक है, सो अगेन आपके पास 5 ही वेरिएबल्स हैं, पी एम डी टी 3 वेरिएबल और वी और एक्स जो है वो अरे टाइप के आ जाएंगे। सो अगेन यहाँ पे हम लोग अरे टाइप के 2 वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे, दैट इज वी एक्स डिक्लेयर करवा लें इज इक्वल टू न्यू डबल, और उसमें यहाँ पे क्या पास कर देंगे, साइज। एंड फॉर साइज हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद डबल अगेन वाई इज सॉरी वी इज इक्वल टू न्यू डबल, और उसमें फिर अगेन क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा। ठीक है, अगेन सॉलिड ब्रश सॉरी ग्राफिक्स, पहले ग्राफिक्स जी जी इज इक्वल टू क्रिएट ग्राफिक्स सॉलिड ब्रश एस बी इज इक्वल टू न्यू सॉलिड ब्रश, और उसमें कलर डॉट ग्रीन, फिर उसके बाद लूप एग्जीक्यूट करेंगे I0 से लेके जो भी एक्स डॉट लेंथ है, एक्स डॉट लेंथ है और -1 हम लोग क्यों करेंगे, आउट ऑफ रेंज हो रहा है। सो उसके बाद यहाँ पे VO5+1 इज इक्वल टू VO5 प्लस, ये प्लस था या माइनस था, अब यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, गौर से देख लें कि जो डिवीजन में दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवीजन में जो है वो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे और देन उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, पी मल्टीप्लाई बाय वी ऑफ आई आ जाएगा, और देन वो पी को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और एन मल्टीप्लाई बाय डी टी। ठीक है, एंड सिमिलरली XO5+1 इज इक्वल टू XO5+ VO5 मल्टीप्लाई बाय डी टी। लास्ट के अंदर हम लोगों ने एक्स का ग्राफ नहीं प्लॉट किया था, तो इस लेक्चर के अंदर जो फ्री फॉल वाला था उसमें हम लोगों ने एक्स को प्लॉट नहीं किया था, तो बाइसिकल वाले में हम लोग एक्स को भी प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको सिंपली क्या करूंगा, प्लॉट वाला कोड लिखूंगा I0 से लेके, अगेन मैं यहाँ पे साइज पास कर देता हूँ, अगेन यहाँ पे एक्स डॉट लेंथ भी पास किया जा सकता है। सो अगेन जो है ना यहाँ पे gg.fillellipse, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिलिलिप्स के अंदर सॉलिड ब्रश
सॉलिड ब्रश एस बी और सपोज 150 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा आई एंड उसके बाद कोमा 250 माइनस फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे टाइप कॉस्ट एंड टाइप कॉस्ट किसको करना है वीओ फाइव को और मल्टीप्लीकेशन हम लोग आउटपुट को देख के करेंगे 5/5 आ गया एलिप्स का साइज और वी का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं इनिशियली सिंपली अगर आप एक्स का भी ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो उसको भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं और सिंपली उसके लिए क्या करना पड़ेगा एक्स को यहाँ पे आई और एक्स आ जाएगा एंड उसकी पोजीशन जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन हम लोग थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं सपोज मैं उसको 350 कह देता हूँ यानी कि 150 से ये सपोज करें पाम है 150 इधर आएगा 350 इधर आ जाएगा इधर वेलोसिटी का ग्राफ आएगा और इधर आपके पास इसका आएगा डिस्प्लेसमेंट वाला आएगा ठीक है सो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा अपार्ट फ्रॉम एनी अदर एरर जो आइडियल केस होगा वो हमारे पास आउटपुट जो है कुछ इस फॉर्म में आ रही होगी there might be an error okay आपके पास आंसर जो आ रहा है वो एक डॉट की फॉर्म में आ रहा है एक छोटी सी लॉजिकल प्रॉब्लम है वो अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे ये डॉट डॉट आ रहे हैं वो एग्जैक्टली सही परफॉर्म कर रहा है उसकी वजह क्या है अगर आप लोग सिस्टम के ऊपर देखें तो जो वी आई है वो आपके पास क्या आ रहा है डिवीजन में आ रहा है ठीक है तो वी आई की वैल्यू जीरो है तो वी ऑफ जीरो आपके पास इनिशियली क्या है जीरो तो समथिंग ओवर जीरो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी उसके बाद तमाम टर्म्स क्या होती जाएंगी इन्फिनिटी होती जाएंगी सो टू अवॉइड दैट इन्फिनिटी हम लोग वी ऑफ जीरो को कोई इनिशियल वैल्यू दे देते हैं सपोज मैं उसको 0.1 ही दे देता हूँ ठीक है वी ऑफ जीरो को क्या कर दिया 0.1 दे दिया तो अब वो डिनोमिनेटर के अंदर जीरो नहीं होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई ग्राफ आपके सामने आएगा ठीक है बाइसिकल मोशन का एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है और यहाँ पे हमें वी को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा सो उसको हम लोग किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं सपोज मैं उसको प्लॉट जहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे सिंपली एक्स का रीजनेबल ग्राफ है इसको हमें मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है तो हम लोग सिंपली इसको सपोज 50 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं ठीक है वो इनिशियल वैल्यू क्योंकि 0.1 दी हुई है तो उसके लिहाज से चल रहा है सो अगेन अगर आप उसको जो वैल्यू देंगे उसी के लिहाज से परफॉर्म करेंगे बट जो 50 है वो टू मच है आप इसको जो है ना किसी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें सपोज 5 से करवा देते हैं ठीक है सो 5 अगेन थोड़ा सा कम है 20 ठीक है तो ये आपके पास आइडियल का ग्राफ आ रहा है अब इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं 0.1 को जो है ना 0.1 इनिशियल वैल्यू देने की बजाय अगर आप वो जो एक पॉइंट के दरमियान डिफरेंस आ रहा है आप इसको इनिशियली 1 वैल्यू दे दें ठीक है सो इनिशियल 1 वैल्यू देंगे तो उसके मुताबिक वो क्या करेगा आपके सामने ग्राफ प्लॉट करवा देगा ठीक है ना वो जो एक डिफरेंस आ रहा था वो नहीं आ रहा अब उसके बाद ये जो ग्रीन ग्राफ आ रहे हैं इसका मतलब जो है ये आपके पास आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन के हैं सॉरी आइडियल बाइसिकल मोशन के हैं अब उसके बाद मैंने सिंपली क्या काम करना है रियलिस्टिक केस को इम्प्लीमेंट करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा एक बटन लेके आ जाऊंगा उस बटन के अंदर मैं रियलिस्टिक वाली इम्प्लीमेंटेशन कर लूंगा बाइसिकल बाइसिकल रियलिस्टिक के अंदर मैं यहाँ पे ये जो ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है सारे को पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरी जो है ना ग्राफ प्लॉट करते वक्त जो मैंने ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की हुई है रियलिस्टिक के लिए भी वही पैरामीटर है
और जो इनिशियल वैल्यूज आइडियल के लिए लिए हैं वो भी वहां पे वही रहे। बाकी जो जो अदर पैरामीटर्स हैं उनको मैं वन बाय वन यहाँ पे डिफाइन करवा देता हूँ रियलिस्टिक के अंदर। बाकी पैरामीटर सी जो है वो हम लोग डबल टाइप का मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, उसकी वैल्यू क्या है वन है। इसके अलावा रो जो है वो 0.3 थी शायद, मैंने आप लोगों को वैल्यू लिखवाई थी रो दैट इज इक्वल टू 0.33 कर लें, या इसकी वैल्यूज जो है ना वो बुक से आपको मिल जाएंगी। जो भी वैल्यूज रखेंगे अकॉर्डिंग टू दैट ये ग्राफ प्लॉट करेगा। सिमिलरली जो एरिया है दैट आप कह सकते हैं कि वो 1.3 सपोज कर लें जो फ्रंटल एरिया है। एंड उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो वी है, एंड सिमिलरली मास ऊपर हम लोगों ने दिया हुआ है, डीटी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पैरामीटर एक्स्ट्रा थे, इनको हम लोग फर्दर फार्मूला के अंदर इंप्लीमेंट कर देते हैं। सो यहाँ पे हमने सिंपली क्या करना है, माइनस सी मल्टीप्लाई बाय रो मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय वी ओ फाई मल्टीप्लाई बाय वी ओ आई मल्टीप्लाई बाय डी टी। तो ये ऊपर वाले सारा इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, ओवर में आपके पास क्या आ जाएगा 2m, तो 2m को आपने ब्रैकेट्स में लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय m। ठीक है, वो डी टी साथ आ चुका हुआ है ऊपर। सो बाकी आपके पास x की वेन एज इट इज है, तो वो हम लोग इसको है। ठीक है, सो लेट सी के इसके ग्राफ जो है वो किस तरह से आते हैं। हमें हो सकता है कि अगर एरर आती है तो इनकी वैल्यूज या जो ग्राफ है इसका हम लोग कलर जो है वो ग्रीन की बजाय रेड कर लेते हैं, ताकि कंपैरिजन में हमें आसानी रहे कि जो आइडियल का जो ग्राफ आ रहा है वो कौन सा है और रियल का जो ग्राफ आ रहा है वो कौन सा है। तो जो ग्रीन के ग्राफ होंगे वो आइडियल के होंगे, और जो आपके पास रियल के होंगे वो रेड कलर के होंगे। सो पहले इसको देख लें, ये आपके पास बाइसिकल रियल था, ये आपके पास बाइसिकल आइडियल था। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज विच वी हैव प्रोवाइडेड टू सी ए एंड डेंसिटी। उनकी वैल्यूज थोड़ी सी बढ़ा देंगे, तो वहां पे अगर आप लोग गौर करें उनकी वैल्यूज बढ़ाएंगे तो आप लोग इस मॉड्यूल के अंदर गौर करें कि जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ेंगी ये माइनस फैक्टर क्या हो रहा है उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे जो है ना फ्रंटल एरिया जो है 1.3 की बजाय सपोज करें मैं 2.3 कर देता हूं, तो लेट्स सी कितना डिफरेंस पड़ता है इतना एक वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करने से। ये आइडियल ग्राफ आ गया, एंड देन आपके पास बाइसिकल का ग्राफ आ गया, काफी डिफरेंस पड़ी है। ठीक है, सो ये बात समझ आ गई। तो यही ग्राफ हम लोगों ने थ्योरी के अंदर डिस्कस किए थे। चैलेंज अब आप लोग इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पहले आइडियल वाले को कर लें फिर उसके बाद रियलिस्टिक वाले को कर लें।